हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए रसगुल्ला बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है और मैंने 1 कटोरी चीनी लिया है, ये लगभग 200 ग्राम है। और मैंने इसमें थोड़ा सा विनेगर लिया है, जिसको दूध से पनीर बनाने में मेरी मदद करेगा। और मैं ये चाशनी बनाने के लिए पानी ली हूँ। दूध को हम गर्म कर लेते हैं। जब भी हम दूध से पनीर निकालें तो दूध गर्म होना चाहिए। दूध हमारा गर्म हो गया, बॉयल हो रहा है। मैं इसमें गैस को बंद कर देती हूँ और मैं विनेगर थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। मैंने लगभग 1.5 चम्मच के आसपास विनेगर डाला है। दूध हमारा थोड़ी देर में देखिए फट गया है, पूरा अच्छा से पनीर निकल गया है इसका। अब मैं इसको छान लेती हूँ। लेकिन छानने से पहले क्या करना है, जैसे अगर हम बहुत सारा इसमें ठंडा पानी डाल देंगे फिर हम छानते हैं इसको। मैं इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल रही हूँ। बाद मैं एक मसलिन क्लॉथ ली हूँ। आपके पास अगर मसलिन क्लॉथ नहीं तो आप कोई भी पतला सा कॉटन कपड़ा ले सकते हैं। अब मैं इस दूध को डालती हूँ। देख सकते हैं मैंने ये सारा पानी इसको निकाल लिया है। इसके ऊपर फिर मैं 1 गिलास और पानी डाल रही हूँ। विनेगर का टेस्ट हो या नींबू से अगर फाड़ते हैं, क्योंकि दूध हम नींबू से भी फाड़ सकते हैं जिससे छेना इजली निकलता है। मेरे पास विनेगर था तो मैंने विनेगर का यूज किया है। आप चाहे तो नींबू से भी बना सकते हैं और ये इसका अच्छे से इसका टेस्ट निकल जाता है। मैं इसको 2 बार धोई हूँ, इससे इसका टेस्ट पूरी तरह से निकल जाता है। अब मैं इसको अच्छे से निचोड़ लेती हूँ इसका पानी। मैं एक बर्तन में चीनी डाल लेती हूँ। मैंने एक बर्तन में चीनी डाल लिया है और उसका 2 गुना पानी डाल रही हूँ। मैं इसको चाशनी बना लेती हूँ। मैं चाशनी बना रही हूँ। ये चाशनी न ज्यादा गाढ़ी होगी न पतली होगी। चाशनी हमारी बन गई है। मैंने इसको 7 मिनट तक धीमी आंच में पकाया है। आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी पतली है। जैसे हम दूसरी मिठाई बनाते हैं तो हमें एक तार की चाशनी की जरूरत होती है, या हम बर्फी बनाते हैं तो 2 तार, ये उससे भी पतली, क्योंकि रसगुल्ला जब हम बॉयल करेंगे इसके तो ये ऑटो में और गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा पतली रखते हैं। मैं इसको बंद कर देती हूँ। ये हो गया है, मैंने इसका पानी निकाल लिया है। देख सकते हैं ये पूरी तरह ड्राई हो गया। अब हमको इसको मिलाना है। लगभग इसको 10 मिनट के आसपास आप मिलाएं। 10 मिनट जितना देर हम मिलाएंगे रसगुल्ला उतना सॉफ्ट होगा। लगभग 2 मिनट हो गया है, इसको हमें अच्छे से मिलाना है। और ये पूरी तरह मिल चुका है। मैंने इसको 7 मिनट के आसपास लिया है इसको मिलाने के लिए। अगर नहीं हुआ तो आप इसको थोड़ा सा और मिला सकते हैं। ये हो गया है, मैं सबको इकट्ठा कर लेती हूँ। ये इस तरह का हो गया है। अब मैं इसमें से छोटी छोटी लोई बना लेती हूँ। अब देख सकते हैं आपको जिस हिसाब से रखना है आप उस हिसाब से अपना साइज रख सकते हैं। मैंने ये साइज लिया है। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। मैंने सारे गोले बना लिए हैं, ये करीबन 14 बने हैं। मैंने इस साइज के बनाए हैं। आप चाहे तो इसे बड़ा या छोटा भी बना सकते हैं। चाशनी को मैं फिर से गर्म होने के लिए चढ़ा दी हूँ, क्योंकि ये गर्म रहेगा तभी इसमें डालना है, नहीं तो ये फट जाते हैं। जब एकदम गर्म हो तभी हमें एक एक करके सारा डालना है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये बॉयल हो रहा है, पकड़ा है। देख रहे हैं कि आप किस तरह से ये फूल रहे हैं। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, मैं इसको पलट लेती हूँ। ये हमारा रसगुल्ला बन गया है। अब मैं इसको सर्व करती हूँ। लगभग मुझे 7 या 8 मिनट मैंने इसको पकाया है। अब मैं इसको सर्व करती हूँ। आप देख सकते हैं कि रसगुल्ला बनके तैयार हो गया है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती रहूंगी। धन्यवाद।